26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। और इसलिए एक सुविधा का रूप हमारा अलग है। हम जो दे रहे हैं उनको जाकर के अनुदान में दे रहे हैं, बीज के मामले में दे रहे हैं जाकर के, हम वहाँ पर उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था जो की गई है वहाँ सुविधा दे रहे हैं। हम कम रेट में 17 पैसे रेट है प्रति यूनिट बिजली वाला, यानी कि जो दर हमारा है वहाँ आप सब्सिडी दे रहे हैं उनको जाकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहकारिता विभाग के समीक्षा बैठक किए थे, उसमें मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में जो ब्लैकलिस्टेड पैक्स हैं उसके बगल के जो पैक्स हैं उस क्षेत्र के धान अधिप्राप्ति किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर धान अधिप्राप्ति के बाद किसान के खाते में पैसे चले जाएंगे। वहीं उन्होंने सहकारिता विभाग कितना धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है, इन सारी चीज़ों का जानकारी दे रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। आज माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा में नियुक्ति जा करके है, और समीक्षा में सारे वरीय अधिकारी मुख्य सचिव सहित अपने सहकारिता विभाग और उधर आपूर्ति विभाग के अधिकारी सभी लोग मौजूद थे जा करके, और बहुत अच्छी बैठक हुई जा करके, संतोषजनक बैठक हुई जा करके। और हमारे मन में अचानक गया एक बार स्पॉट पर जाना चाहिए, इसीलिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी भी साथ में जा रहे हैं जा करके देखने के लिए क्या तैयारी हो रही है। निर्देश दिया जो तय हुआ है कि मतलब धान प्राप्ति का जो लक्ष्य है 45 लाख मेट्रिक टन जा करके उसको प्राप्त करना जा करके है, और जो उनको 48 घंटे में राशि उपलब्ध कराने का डायरेक्शन दिया गया माननीय सीएम साहब के द्वारा जाकर के, उसके लिए बगल का पैक्स वो टैक कर लेंगे जाकर के, वह रहेगा व्यवस्था है अल्टरनेटिव जाकर के, तो जो पैक्स मतलब ब्लैकलिस्टेड हो गए हैं जाकर उनका धान कहाँ जाएगा जाकर के, उसकी व्यवस्था हमने किया जाकर के वहाँ भी धान की प्राप्ति होगी। नमी का निर्धारण कैसे किया जाएगा उसमें, तो उसके लिए हम लोगों ने तय किया है जाकर के जो एक यंत्र है जाकर के, और उसके माध्यम से हम लोग नमी मापक यंत्र होता है उससे हम लोग तो मापते हैं जाकर के, और कम से कम मतलब जो देखते हैं जाकर के जो तय 17% का मानक तय जाकर के है, उससे ज़्यादा रहने पर तो कठिनाई होती है जाकर के, लेकिन किसानों का काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है, सरकार के विभाग पदाधिकारी जो हमारे सहकारिता विभाग के हैं वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं जाकर के, हम किसानों के साथ एक समन्वय करके इन चीज़ों का समाधान भी कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के जोहारू कर्मठ सचिव धर्मेंद्र सिंह जी, सभी पदाधिकारीगण, इस मौके पर सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में राज्य के धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई, और बिहार में खरीफ विपणन मौसम 24-25 में धान चावल अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो धान का हमारा है 45 लाख मेट्रिक टन, और भारत सरकार ने तय किया है दर न्यूनतम समर्थन मूल, वो है साधारण धान का दर है 23 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ाया गया है राशि पहले से, और ग्रेड ए का जो रेट 2320 रुपये प्रति क्विंटल जा करके। आज 1 नवंबर से उत्तर बिहार के 5 कमिश्नरी में कोशी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा प्रमंडल के 19 जिलों में 1 नवंबर 24 से 15 फरवरी 25 तक धान अधिप्राप्त कलश रखा गया है, तथा शेष जिलों में उस समय पटना, मगध और भागलपुर, मुंगेर, यहाँ पर हम लोग जो क्रय करने जा रहे हैं 15 नवंबर से 15 फरवरी तक 19 जिले में किए जाएंगे, और अभी जिला स्तर पर सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था मुख्यालय से कि टास्क फोर्स की समिति बनाकर समीक्षा उन्होंने किया जा करके है, तैयारी की जा करके है, और उस समय वहाँ पर भंडारण, बाट, माप, नमी मापक यंत्र, बैनर, पोस्टर, प्रचार के दृष्टिकोण से इस सारी व्यवस्था कर दी गई है। और किसान भाइयों को इस बार मैं देख रहा हूँ कि बिहार में अच्छा मतलब खरीफ का मौसम मतलब बहुत अनुकूल हुआ है जाकर के,
अच्छा इस पर पैदावार होगा मतलब हुआ है। और उस पर मैं देख रहा हूँ किसान भाई काफ़ी परिश्रम मेहनत और माननीय एक जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लगातार किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको मदद की जा रही है, केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री फसल केंद्र के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष उनके खाते में राशि भेजी जा रही है। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बीज अनुदान की राशि जा करके है, यंत्रों पर सुविधा दी जा रही है, समय पर खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं करके हैं, तो अच्छा उत्पादन हो रहा है। और हम लोगों ने तय किया है 48 घंटे के अंदर में राज्य के जनता तक किसान भाई बहनों के खाते में धान प्राप्ति के बाद पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे उन्हें जा करके। और अभी मैं स्वयं जा रहा हूँ उत्तर बिहार के वैशाली ज़िले के केंद्र पर जा रहा हूँ देखने के लिए जो आज शुरुआत की गई जा करके है उसका क्या फलाफल जा करके है। मैं प्रस्थान कर रहा हूँ बस 10 मिनट के अंदर में आप लोग से मिलने हैं प्राय था करके। तो कुल मिलाकर राज्य में जो धान उत्पादन का जो लक्ष्य है लगा कि कुछ हमारे पास लोग आए थे प्रेस के साथी लोग तो लगा कि सबको जानकारी मिलनी चाहिए जा करके और आपके माध्यम से बाजार में अच्छा मूल्य मिल गया था। सरकार का प्रयास जब होता है कि जो भारत सरकार पूरे देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है उससे किसान को नीचे जाना नहीं पड़े जाकर उससे किसान नीचे नहीं जाना पड़े, इसके लिए बैरियर हम खड़े हैं किसान भाइयों के लिए। ऐसे हम देख रहे हैं कि ऐसा ही पर्याप्त आ रहा जाकर के है और काफ़ी हम अन्य तरह की सुविधा दे रहे हैं किसान भाइयों को जाकर। एक और केंद्र की सरकार भी दे रही है और बिहार सरकार के द्वारा भी बीज के मामले अनुदान हम दे रहे हैं जाकर के, कृषि यंत्र पर अनुदान दे रहे हैं जाकर के, खाद जो दिया जाए उसमें भी काफ़ी सब्सिडी जाकर के, तो अन्य तरह की सुविधाएँ हम दे रहे हैं उनको है जाकर के। और ऐसा लगेगा तो विचार किया जाएगा पर इसीलिए एक सुविधा का रूप हमारा अलग है। हम जो दे रहे हैं उनको है जाकर के अनुदान में दे रहे हैं, बीज के मामले में दे रहे हैं जाकर के, हम वहाँ पर उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था जो की गई है वहाँ सुविधा दे रहे हैं। हम कम रेट में 70 पैसे का रेट है प्रति यूनिट बिजली वाला, यानी कि जो दर हमारा है वहाँ हम सब्सिडी दे रहे हैं उनको जा करके और 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली का आपूर्ति हम कराने का काम कर रहे हैं। सब्सिडाइज रेट में हम उनको खाद दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं और हम कृषि यंत्र भी उनको मतलब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जा करके हैं। और उसके लिए हम लोग की योजना है मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना जा करके है, 15 लाख का मतलब प्रत्येक पंचायतों में है। किसान आधुनिक तरीके से खेती करें, लागत कम हो, उनकी आय बढ़े, तो कई चीज़ों में हम सहयोग कर रहे हैं जा करके हैं। अभी देखिए मान ली बाढ़ आ गया वहाँ मदद कर रहे हैं जा करके हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की राशि भेजी गई जा करके, तो उनको उत्पादन में मदद कर रहे हैं। और यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं जाकर जो तय रेट है वो रेट मिल जाए जा करके, उससे कम पर उनको जाना नहीं पड़े, अगर अच्छा रेट मिल गया, हाई रेट मिल गया तो अच्छा है, बिहार के लिए हक में हुआ किसान भाई। वैसे है लेकिन और देखते हम लोग हैं, आवश्यकता होगी तो उसका भी हम लोग विचार करेंगे।